मेरी आंखों में क्या है, बस नींद ही नींद है। क्योंकि आज फिर मुझे सिर्फ 3 घंटे की नींद नसीब हुई है। इस व्लॉगिंग के चक्कर में सुबह 5 बजे तक मैं एडिट करता रहा और 8 बजे फिर मुझे उठ के यहाँ आना पड़ा। तो अभी काफ़ी देर से मैं इस वाली बिल्डिंग के अंदर था। तो इस वाली बिल्डिंग में मैं क्यों था ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप देख के आइए कि मैं यहाँ पे आया कैसे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मुझे मेट्रो पकड़ के एक जगह जाना है काम के लिए। मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब हो चुकी है इस समय पे, उसका अंदाज़ा पे इसी बात से लगा सकते हैं कि मैं सुबह 5 बजे व्लॉग एडिट और अपलोड करके सोया था एंड 8 बजे मैं फिर से उठ गया हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है, जो मैं शायद आपको दोपहर में बताऊँगा कि किस लिए जा रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे में हिम्मत है नहीं क्योंकि मैं अभी भी नींद में ही हूँ। ऐसा कर, तू पहले जा भाई। तू मत रुकियो अपनी से, बाइक बना दिया भाई तूने, बस ऐसे 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 झुला रहा है इसको। मैं 8 बजे उठा था, मैंने उठते ही ब्रश किया, उसके बाद मैंने एक पीनट बटर टोस्ट के साथ प्रोटीन पिया अपना, थोड़ा पेट में घुस जाए, और अपना लंच लिया, उसको बैग में रखा और निकल लिया। और अभी भी मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो समझ सकते हैं 3 घंटे की नींद में बंदा सुबह सुबह उठ के निकले तो क्या ही हालत होती है। बाद में देने ना, यहाँ पे तो इतना भयंकर तूफान आया हुआ है, कितनी तेज़ हवा चल रही है, देख रहे हैं। छुप के जगह ढूंढी मैंने जहाँ पे थोड़ी हवा कम है, बिल्कुल कोने में चिपक के बैठा हूँ। तो जब आप अपना नया YouTube चैनल स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में बिल्कुल इनकम नहीं होती, आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते कि आप अपने यूट्यूब चैनल में इन्वेस्ट कर सकें, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर सकें, खुद के खर्चे उठा सकें। तो किसी ना किसी तरह तो आपको अपना खाना पीना चलाने पड़ेगा और बहुत चीज़ें बहुत होती हैं जिसके लिए खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ लोग जॉब्स करते हैं, कुछ लोग सेकेंडरी इनकम रखते हैं। तो मैं उसको हैंडल करने के लिए 2-3 पार्ट टाइम जॉब्स या फिर पार्ट टाइम चीज़ें करता हूँ, जिससे कि मुझे मैं इनकम जनरेट कर सकूं और अपना चैनल को ग्रो करने में, या इस जो सारी इन्वेस्टमेंट है जो मैं गियर पे खर्च करता हूं या फिर अपना खर्चा उठाने के लिए मैं करता हूं। सो दिस इज़ अ पार्ट टाइम जॉब जिससे मेरी जो इनकम होती है उसका थोड़ा सा मोशन इससे आता है, ये काफ़ी हेल्प कर देता है मुझे थोड़े एक्सपेंसिव डील करने में। तो इस जॉब में होता क्या है एंड वाई दिस जॉब? तो इस जॉब की जो पोजीशन है उसका नाम है क्लेरिकल मार्कर। तो अगर आपने ईलिट्स का नाम सुना होगा तो जो ईलिट्स के एग्ज़ाम होते हैं उनको रीचेक करने के लिए और मार्किंग करने के लिए जॉब होती है। तो जितने क्वेश्चन पेपर्स आप मार्क करेंगे उसके हिसाब से ही आपको पैसे मिलेंगे। तो इस जॉब का ये फ़ायदा है कि इसमें मैं और चीज़ें भी साथ में कर सकता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जो वर्किंग डेज होते हैं वो आप डिसाइड करते हैं, मतलब वो आपको देंगे, आपको बस कन्फर्म करना है कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं, इसलिए ये काफ़ी ईजी रहता है। तो फिर मैं आज यहाँ पर क्यों आया हूँ? तो आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि जो मेरा वर्क फ्रॉम होम था वो ख़त्म हो गया है। अब मेरे को, मैं घर से काम नहीं कर सकता, अब मुझे यहीं पे आके काम करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आया हूँ। कल सुबह मैं 5 बजे सोया और 8 बजे उठ के यहाँ आ गया। तो जब मैं काम कर रहा था तो मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं वहाँ पर सिर्फ कॉफ़ियाँ पिए जा रहा था। बट अब ऑफिस ओवर हो चुका है, अभी अराउंड 3 बज रहे हैं।
एंड अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, पर मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो हम जाएंगे पहले कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद आगे का सोचते हैं कि क्या करना है। तो जब ऑफिस से काम करने की बात आती है तो लगता है कि अबे यार फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा, इतनी दूर कैसे जाएंगे, या मन नहीं कर रहा, आलस आ रहा है। पर वर्किंग इन ऑफिस मोर एफिशिएंट देन वर्किंग एट होम, क्योंकि घर पे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, आप थोड़ा ईज में आ जाते हैं। जैसे मैं ये काम करता तो घर पे मैं म्यूज़िक सुन के करता था, तो और मैं इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाता था। मतलब अगर अब मैं यहाँ पे आज जितना मैंने काम किया उतना मैं घर पे दो वर्किंग डेज में करता हूँ जितना मैंने एक ही दिन में कर लिया। तो मतलब ऑफिस में जो एटमॉस्फेयर होता है उससे, और जैसे सब लोग साथ में बैठे होते हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगा कि आज मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव दिन रहा, और पर खैर अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मुझे भूख लग रही है। यहाँ पे पहले आया करता था तो ये जो जायका चिकन कॉर्नर है, मैं यहीं से बिरयानी खाया करता था। पर जब मैं पिछली बार आया तो जब मैं वहाँ पे खाने जा रहा था तो प्रॉब्लम एक आई कि ये जो यहाँ पे बैरिकेड लगा दिए, इसकी वजह से इस रोड को पार करने की कोई जगह ही नहीं छोड़ी उन्होंने। मतलब कैसे कैसे उस तरफ कैसे पहुँचे भाई। तो आ गया हमारा खाना, देखने तो काफी अच्छा लग रहा है, तो शुरू करते हैं। तो खाना तो हो गया, अब निकलते हैं घर की तरफ, या फिर मैं बीच में कहीं रुक भी सकता हूँ कि मुझे किसी काम के बीच में शायद रुकना पड़ता है, तो देखते हैं बीच में क्या मूड बनता है उस हिसाब से देखते हैं। भाई ये मास्क कैसा है भाई, एक तरफ से लंबा है एक तरफ से छोटा है, कुछ भी बन रहा है मार्केट में। तो बैकग्राउंड देख के समझ में तो आ गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं रास्ते में जा रहा था तो मैंने सोचा कि एक बार CPP रुक लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ पोस्टर्स लेने, तो उसके लिए मैं CP आया हूँ। अब मैं देखता हूँ कुछ ढूंढता हूँ, मिलता है मुझे अच्छा तो फिर उसे लेके मैं चलता हूँ यहाँ। बाय द वे, कनॉट प्लेस अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। अगर आप अपनी आँखें खुले रखें और ऑब्जर्व करें तो आपको काफ़ी डिफरेंट नई नई चीज़ दिख जाएंगी। जैसे मुझे अभी पीछे लोग CP के अंदर आउटडोर चेस खेलते हुए दिखाई थे। चेस वाज अ इंडोर स्पोर्ट। मतलब आउटडोर चेस नहीं, खेल तो चेस ही रहते पर बाहर बैठ के खेल लेते, तो आउटडोर चेस हो गया। मस्त जोक मारा रे। खैर जो काम करने के लिए मैं आया था वो हो गया, पर जब मैं काम कर रहा था तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। तो जब मैं पोस्टर्स खरीद रहा था तो दिखाना चल लो वाला, तो एक लेडी मेरे पास आई और कहने लगी क्या आर यू कंफर्टेबल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैंने कहा हाँ यस आई एम कंफर्टेबल। तो वो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उनका जवाब देना है। एंड मैंने कहा ठीक है बताइए क्या क्वेश्चन से पहले। तो उन्होंने इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन मुझसे पूछा ना, तो मैं तो वैसे ही हो गया कि मैंने कहा क्या क्या बोलो। पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें वो एक कल्प्रिट था, मतलब किस क्या नाम था मुझे तो याद भी नहीं है, वो कल्प्रिट था, तो आपको क्या लगता है वो कल्प्रिट है, उसको फंसाया जा रहा है फंसाया जा रहा है। मैंने कहा भाई क्या बोल रही है, मैं इस पर रिएक्शन क्या दूँ, मुझे वैसे भी कुछ ज़्यादा क्लू है नहीं, तो मैं अपना ओपिनियन देने नहीं वाला। तो मैंने उसे एक ऐसे ही पूछ लिया कि क्या आपका एक यूट्यूब चैनल है, तो वो तो इतना बुरा लग गया उन चीज़ को, एकदम अपना आई कार्ड दिखा गया थी, नहीं नहीं मैं तो रिपब्लिक से हूँ। खैर थोड़ी देर बाद जब मैं दूसरा राउंड मार रहा था CP का, तो मैंने देखा उनको एक बकरा मिल गया, तो उसको क्वेश्चन पूछ लिया। मैम ने मुर्गा फंसा ही लिया। तो बस अपना काम हो गया है, अब यहाँ से चलते हैं, और जो मैंने पोस्टर्स लिए हैं वो मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ कि मैंने क्या लिया। चलो श्याला लेट्स गो।
तो गाइस मैं स्कूटी पे बैठ गया हूँ और मेरी हालत एकदम खराब है, हालत ख़राब हो रही है। तो बस फटाफट मचा दूँ पहुँच चुका घर, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगा और मैं सो जाऊंगा अराउंड 2 घंटे 1-2 घंटे जितना भी मैं सो पाऊँ उसके बाद, क्योंकि मुझे जिम जाना है। और तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक दिन हो गया है ये, और चलिए फिर मैं फटाफट घर पहुँचता हूँ। आजकल खाने में हमको रोज चाय नसीब हो जा रही है, पापा बना के छोड़ते रहे पता नहीं क्यों। ये हैं जो घर में मैंने चावल हैं और ये मैंने 5 अंडों की स्क्रैम्बल्ड लेग्स बनाए हैं। अभी इसको मैं सफाया करता हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, और फिर मैं जाऊँगा सो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो उठ उठा के जिम तो मैं आ गया, ऊपर सिर्फ जिम आने से आज वर्कआउट नहीं हो पाया है, उठ और अच्छा लगेगा तो मैं लेके आया हूँ ये। स्कूल तो मैंने ढूंढ कर छोड़ा भाई, बट दिस इज फार मच बेटर देन स्टिंग, और ये काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट रेडी जैसे लगता है, बस स्टिंग तो बहुत मीठा है। आज का दिन मैंने अपना पूरा सिर्फ कैफीन के भरोसे निकाला है। इतना कैफीन मैंने लाइफ में सही में लाइफ में कभी नहीं लिया होगा। मतलब पहले मैंने 2-3 कॉफ़ी पी थी, उसके बाद ये एनर्जी ड्रिंक ली जिसमें भी काफ़ी कैफीन था, तो कैफीन के भरोसे ही मेरा आज पूरा दिन निकला है। वो अभी बज रहे हैं 11, मैं अराउंड 10 बजे जिम से आया, उसके बाद मैंने खाना बना खाया, अपना खुद का व्लॉग देखा। खुद का व्लॉग अब नसीब हो रहा है, खाने के साथ हम अपना व्लॉग अर्पण कर रहे हैं, आप भी जाके कर सकते हैं। अगर ये वाला नहीं कर रहे हैं तो पिछला वाला भी कर लीजिए, जाके थोड़े व्यूज़ बढ़ाइए, थोड़ा चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। जो मेरे हाथ हैं देख के, अगर ऐसे अगर हाथ आपके हो जाते हैं जिम जाके तो उस दिन समझ में आ जाना चाहिए कि आज बैक डे था, तो आज हमने बैक और बाइसेप्स हिट करे काफ़ी क्लीन। तो चलिए अब वीडियो मैंने देख लिया, अब मैंने व्लॉग को एडिट करता हूँ। और एक और बात, अगर आपको कोई फीडबैक देना है जो आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, या फिर क्या नई चीज़ें मैं कर सकता हूँ व्लॉग में। क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने 21 डेज चैलेंज लिया है, मोस्टली 7 या 8 दिन के बाद मेरे मैं आई विल बी आउट ऑफ आइडियाज़। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है फॉर अ वीडियो, यू कैन जस्ट कॉमेंट बिलो एंड मैं पक्का उसको देखूँगा। और सो चलिए मैं मिलता हूँ आपको कल विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप लिविंग। सोचा था एक्सीलेटर से चल लेंगे, तो ये भैया पे बंद पड़े हुए हैं।